अजान हो रहा है, शायद अजान का आवाज़ आपको आ रहा होगा। देखिए ये नेशनल हाईवे है, आप सुनिए अजान का आवाज़ शायद। एक बेटा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनसे हमने नहाए नहीं तो इस टाइम भी अच्छा जगह है ये, देखिए क्रिसमस अच्छा जगह मिल गया, तो यहाँ पर हम नहाएंगे, इसके बाद पैकिंग करके निकलेंगे। ये अच्छा जगह है नहाने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आ चुके तो नहाना भी ज़रूरी होगा, तो यहाँ पर हम नहाएंगे, इसके बाद निकल चलते हैं। अब धीरे धीरे हम पैकिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें बस ये दो तीन बर्तन हैं जिसको धोना है, रात को इसमें पानी हमने भिगोना है, तो गलती हो गया है। इसको फिलहाल इसी तरह भिगो कर 2 मिनट रखेंगे, तो इसके बाद 2 मिनट इसको भिगो के रखेंगे, इसके बाद देखते हैं कुछ ना कुछ तो हो जाएगा माशाल्लाह। ये वाला बैग आ जाएगा इस पर, इसके लिए हमें ये साइकिल का ये वाला पार्ट उठाना है, तो डालेंगे सीधा इसके अंदर जाएगा ये चीज़। ये है हमारा ट्राइपॉड स्लीपिंग बैग, हमारा ये चीज़ ये बोर्ड डालकर आराम से बिस्मिल्लाह, बस ये चीज़ हमारा पैकिंग हो गया है, बस अब तैयार करते हैं निकलने की। या अबुल फसल बस ये लगता है अमानत, अब बिस्मिल्लाह करके निकलते हैं अपने मुकाम मंजिलत की तरफ, मंजिलत की तरफ टू साइड सब जो है। तो आखिरकार हमारा दोबारा एक और दिन का सफ़र शुरू होता है वो, तो वहाँ पर हम स्टे किया था रात को, तो इंशाल्लाह अब निकलेंगे यहाँ से आराम से ऊपर की तरफ। एक छोटा सा टनल, ये फ्लेम फ्लड जब फ्लड आता था, लैंड स्लाइड आते थे, तो लैंड स्लाइड से बचने के लिए ये ऊपर ये बनाया गया ताकि ये रास्ता बंद ना हो, कंटिन्यू चलते रहे। एक जगह हमने रेस्ट लिया, यहाँ पर हमने रेस्ट लिया 2 मिनट के लिए बस, ये रहा जगह, खूबसूरत सा लोकेशन, अब कंटिन्यू करेंगे दोबारा, लेकिन करना है भाई किसी भी हाल में। बस एक चीज़ हुआ है, मेरे चेस्ट माउंट का एक पार्ट है ना वो घूम गया, कोई बात नहीं ये तो सफ़र का पार्ट है। चलो सर रास्ता चढ़ते हुए बस चढ़े ही है, चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन खूबसूरत से वादियों को आप देखिए, ये पूरा पहाड़ चढ़ते चढ़ते वहाँ तक जाना है, खूबसूरत से वादियों को आप देखिए ज़रा। अब हम भी चलते हैं आगे खूबसूरत से वादियों में, लेकिन अफसोस कि वहाँ पे वेट करते हुए क्या ही कर सकते, ज़रूरत होगा। चलो सर हम तो अपने मंजिल की तरफ जाएंगे, पेट करते हुए देख कर चलो, दुख तो होगा, अब चलना ही पड़ेगा आगे की तरफ, ये पूरा चढ़ाई हम चढ़ते जा रहे हैं बस, चढ़ते हुए भी देखा लेकिन क्या करें, क्या ही बोल सकता है। ऐसे भी रास्तों को पार करते करते यहाँ तो पहुँच गए जिंदा सही सलामत। ग्लूकोज डालेंगे इसमें, ये हमारा साइकिल, फिर से हम रेस्ट ले रहे हैं जहाँ पर हमने अपने बोतल में फिर से रिफ्यूल करा दिया, क्योंकि ग्लूकोज का इंटेक करते रहना है, चढ़ाई ख़त्म ही नहीं हो रहा, पिछले पता नहीं 4 घंटे से चल ही रहा है, मुझे लगता है पूरा 34 किलोमीटर हमें चढ़ाई पे ही कंप्लीट करना है। साइकिल का हाल ख़त्म, मेरे पैरों का हाल ख़त्म, हमारा हाल बिल्कुल ख़त्म होने पर है, आई होप सो कम्प्लीट करें। देखो खूबसूरत से वादियों का आधा रास्ता ख़त्म हो गया, पेट में बहुत ज़्यादा शरीर दर्द हो रहा है, पता क्या हुआ रास्ते का कुछ खाना पड़ गया पता नहीं, बहुत ही हार्ट। पूरी नाला पार कर चुके हैं, यहाँ लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर फ्लड आता था, इसको पूरी तरह बंद करके रखें, ये पुराना रास्ता था और यहाँ पर हम जाएंगे इस टनल से, मैं उसको जर्नी कम्प्लीट करूँ। हमने अपने पानी का बोतल भरा है, तो ये रहा ऐसा व्यू है यहाँ पर, पूरा मेरा साइकिल, और अभी हमें आगे चढ़ते जाना है, मैं होप सो कि अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, सुबह से 6-7 घंटे हो गए लगातार चलते हुए, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया अभी, टाइम्स हो गया 12:30, आई होप सो कहीं ना कहीं खाना तो मिल ही जाएगा। चलो कंटिन्यू करते हैं सफ़र को, गर्मी का एहसास बताता हूँ मैं आपको, ये तारकोल है ये देखिए, ये पूरी तरह तारकोल पिघल चुका है, ये हम मिसल मोमिन, ये देखो ये एरिया है, हम साइकिल पर जा रहे हैं और ये पूरा तारकोल मेरा हाथ पे घुस गया है, इतना गर्मी हमारे यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन इस खूबसूरत से वादियों के लिए इतना तो चलता है। रास्ते के बीच में फिर से टायर पंचर, ये देखो
और दूर दूर तक कोई मैकेनिक शॉप नहीं है, तो पैदल ही चलना पड़ेगा जब तक कोई मैकेनिक शॉप ना मिले। वैसे तो हमारे पास सारा सिस्टम है, लेकिन पंप भी नहीं लाया तो मुश्किल होगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। शुक्र है कि लिफ्ट मिल गया यार, जहाँ तक छोड़े। मैंने बोला जहाँ मैं पंचर वाला हूँ उधर छोड़ देना तो। अभी अभी साइकिल पार्किंग आप लाश कर रहे हैं, सुबह के 5 बजे से अभी खाना खाने में बैठे हैं। ये रहा, आगे आएगा बनिहाल टनल, हालत खराब हो जाए कुछ खा पी लेते हैं। तो 5 बज गए थे, यहाँ पर हम बैठे हैं रेस्ट करने, नमाज़ अदा कर रहे हैं। ये बनिहाल का नेशनल हाईवे, यहाँ पर हमने नमाज़ अदा कर दी है। अब नमाज़ अदा करने हम बैठे हैं, इसके बाद डिनर का नहीं पता। लेकिन एक चीज़ आपको मैं सुना देता हूँ, जब हम रास्ते से आए वहाँ पर हमारा गाड़ी का टायर पंचर हो गया, स्कूटी का, साइकिल का। वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों ने मिले वहाँ से मदद की, आप मानो वहाँ का टायर जो है ट्यूब उसने बिल्कुल फाट डाला, बिल्कुल पता नहीं क्या हुआ, नए ट्यूब लगाया, पर जैसे तैसे करके टाइम निकलते गए। अब यहाँ पर पहुँचे, खाना खाया, रेस्ट कर रहे हैं, अब रात का क्या करना है सब कुछ देखेंगे। या अल्लाह, बस अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। तो अभी हमने डिनर भी कर लिया, अभी शाम का नमाज भी अदा कर लिया है। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पर मैंने स्लीपिंग बैग रखा है, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखिए नेशनल हाईवे के सामने एक छत मिला होटल का, यहाँ पर मैंने स्लीपिंग बैग रखा है। तो यहाँ पर है बनिहाल रेलवे स्टेशन, बस यहाँ पर बैठे हैं, जहाँ पर जगह मिल जाता है बैठ जाते हैं। अब इसी के साथ आज का दिन इख्तिताम हो जाता है, बहुत थका हुआ दिन था, इसलिए हम टेंट भी नहीं लगा पाए। तो उम्मीद है कल का सफ़र श्रीनगर में इख्तिताम करेंगे, मिलते हैं अगले दिन।